मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। जैसा कि आप सबको पता है, ये पेटीएम मशीन है, बड़े बड़े बिजनेस में काम आता है, QR कोड है, और इसी QR कोड की वजह से बड़े बड़े बिजनेस और छोटे मोटे व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। इससे फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कुछ नुकसान भी हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इसके नुकसान के बारे में बताया। जैसा कि ये पेटीएम मशीन जो देने आते हैं हमारे पास, जो भी सेल्समैन, उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, या तो लेने वालों को जानकारी नहीं है या देने वालों को जानकारी नहीं है। जो लोग इस मशीन को ले रहे हैं, प्लीज़ अवेयर हो के लें, इसकी पूरी जानकारी ले लें कि इस मशीन के लेने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। जी हाँ, इसी के साथ हमारे साथ एक कस्टमर जुड़े हुए थे। उन्होंने, मैंने ये पेटीएम लिया था, मेरे पास पेटीएम लेने के लिए एक बंदा आया था पेटीएम की तरफ से, मुझे ये साउंड बॉक्स दे के गया है और ये कोड, वो दो चीज़ दे के गया है, और मुझे बोला गया था कि ना ये आपका लाइफ टाइम फ्री है। मेरे को मैसेज भी आया था कि लाइफ टाइम आपका फ्री रहेगा, और मुझे कुछ चीज़ इसके बारे में इतना लाइफ टाइम बोल के मुझे वो दे के गया। मेरा सेविंग अकाउंट है और उसके बाद भी वो मेरा पैसा कट रहा है महीने का 125 रुपीज़। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन उस कस्टमर ने कुछ दिनों बाद इस मशीन को यूज़ करना बंद कर दिया। यूज़ करना लोग बंद कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है हम आपको बताते हैं। उसके बाद एवरी मंथ 125 रुपीज़ उस कस्टमर के अकाउंट से कटना शुरू हो जाता है। जब इसकी जांच की जाती है और पेटीएम मशीन वालों को बताया जाता है, तब वो सब के सब हाथ खड़े कर लेते हैं। हम ये निवेदन करते हैं पेटीएम मशीन वालों से कि इस तरीके का कार्य ना करें, गलत तरीके से आपकी पेटीएम मशीन ना बेचें। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए सामने वाले को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। और आज वो लोग ने वो कलेक्ट करने के लिए आए ले और बोले कि आप वो दे दो तो आपका पैसा कटना बंद हो जाएगा। तो लब देने के टाइम पे तो उन लोगों ने बोले कुछ पैसा कटेगा नहीं, आप उसको यूज़ करो मत करो सर, आप वो रख लो तभी भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसी भी रख लो, आपका मेरे को डिटेल दे दो, बैंक का अकाउंट डिटेल दे दो, ये सब दे दो, आपको फ्री मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो डेट है, वो डेट तक आप लो, हम लोग फ्री दे रहे ले। और आज मेरा 125 रुपीज़ मंथली कट रहा है, उसकी वजह से मुझे अकाउंट भी स्टॉप करना पड़ा। तो इसका बारे में आपको नॉलेज था कि नहीं था? मैं तो न्यू हूँ मैडम, मुझे तो नॉलेज है नहीं इसका, मैं तो साउंड बॉक्स पिकअप करने आया हूँ खाली। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जो बंदे दिए थे उसके बारे में उसका आइडिया नहीं। बोले ना बंदे दिए थे, फिर उन लोग जो भी दिए उन लोग को मालूम होगा, क्योंकि मैं तो अभी नया लगा हूँ, मेरे को साउंड बॉक्स पिकअप करने के लिए वो लगा, मैं आके कह रहा हूँ, मैं बताया आपको। अभी आप कौन सी कंपनी की तरफ से आए हो? पेटीएम। कौन भेजा है आपको? मेरे को तो कंपनी ने भेजा है। क्या नाम है उसका, कंपनी जो भेजा है? कौन है वो? TL है, सिस्टम से असिस्ट हुआ था वो। हाँ, सिस्टम से असिस्ट होता हम लोग को। ये साउंड बॉक्स यहाँ पे है तो आप लेके जाइए। क्या नाम है TL वाला? TL का? TL का भाविक नाम है। भाविक, उन्होंने भेजा? भाविक सर को ये आप हमारी तरफ से बताइए कि आपके जो बंदे हैं वो इस तरीके से लोग, ऐसा नहीं है, उनको ने दूसरे एरिया का बंदा होगा तो हम नहीं बोल सकते वो चीज़। इसी एरिया का है तो कंपनी एक ही ना? हाँ, कंपनी एक है। वालों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके बंदे झूठ बोल के पेटीएम मशीन लाइफ टाइम बोल के बेच रहे हैं। जो देख रहे हैं आप, जो दिख रहा है वो तो कट नहीं जाएगा? नहीं, उसको फक ले करा देंगे। उसको डिफर करा देंगे। जी हाँ, आपने सुन लिया इस पेटीएम मशीन का फायदा और नुकसान। तो आपने सुना, एक कस्टमर ने अपनी कंप्लेन की है और पेटीएम मशीन वाले जो आए हुए हैं इसको रिजेक्ट करने के लिए, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, जैसा कि आपने सुना है, कि डिसकंटिन्यू कर देंगे, जिसमें से इसमें जो शायद 900 रुपीज़ है वो भी इनको नहीं कट होगा और आगे से इनका पैसा नहीं कट होगा। इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप सब अवेयर हो जाएं, यही मकसद था हमारा इस वीडियो को बनाने का। हमारी इसी तरह के अवेयरनेस के वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इस पेटीएम मशीन के झांसे में कौन कौन आया है। नमस्कार।